जिस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है उसका आंसर बताने के लिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और आंसर भी आपको संतुष्टिजनक मिल जाएगा। जब आप टीवी या यूट्यूब पर किसी टाइगर या लायन को किसी भी जानवरों को खाते हुए देखते हो तब आप सोचते होंगे कि यार ये जानवर कितने बेरहम है। इस धरती पर बहुत से जानवर एक दूसरे को खाते है और उन्हें देख कर बहुत से लोग सोचते होंगे कि आखिरकार इस प्रकृति ने ऐसे जानवरों को बनाया ही क्यों। जब कोई सांप या अजगर किसी दूसरे जानवर को निगलते हैं, जब कोई टाइगर लायन या चीता अपने से छोटे बड़े जानवरों को मारकर खा जाते हैं तब उन्हें देखकर इस तरह के सवाल किसी भी इंसान के मन में पनपना आम बात है। पर क्या आप जानते हैं कि इंसान भी इंसान को खाता है? फर्क सिर्फ इतना है कि जानवर जानवरों को सिर्फ शारीरिक रूप से खाता है और इंसान इंसानों को आर्थिक रूप से खाता है। यदि एक जानवर किसी दूसरे जानवर को शारीरिक रूप से खाता है और हमें इससे आपत्ति होती है तो हमें इस बात से भी आपत्ति होनी चाहिए कि एक इंसान दूसरे इंसान को आर्थिक रूप से खाता है। एक जानवर दूसरे जानवर का एक बार में काम तमाम कर देता है लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान का काम बार बार तमाम करता है। ये मेरे द्वारा बनाई गई कोई कहानी नहीं है, ये बात नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में स्पष्ट की है। आप इस पेज में देख सकते हैं। मैं आपसे इस वीडियो में ये नहीं कहूँगा कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए या लाइक कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वक्त आपके स्क्रीन पर दो वीडियोस दिख रहे हैं, एक इंसानी दिमाग के फैक्ट्स और दूसरा आपका अवचेतन मस्तिष्क रात रात भर जागकर करता क्या है। इन दो वीडियोस में से आप किसी भी एक वीडियो को देख सकते हो। इन वीडियोस को देखने से आपका वक्त बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा।